एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल मजा ही नहीं आता पढ़ने में, बिल्कुल याद ही नहीं होता या एकदम पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तब भी उस पर कमांड नहीं बन पाता। और ऐसा सब्जेक्ट के साथ भी होता है और सब्जेक्ट के साथ भी होता है और उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर में भी होता है। जैसे किसी को एंशियंट हिस्ट्री बहुत पसंद है लेकिन जब संगम एरा की बात आएगी तो हाथ खड़ा हो जाता है, किसी को पॉलिटी बहुत पसंद है लेकिन आर्टिकल की बात आएगी तो फिर हाथ खड़ा, और किसी को जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उनको केमिस्ट्री समझ नहीं आता, जो साइंस बैकग्राउंड के उनको मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो दिक्कत होती है ना। और ये दिक्कत पता है विडंबना क्या है और इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा हम आपको बताते हैं। ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं और तब भी है। किस किस के साथ ऐसा होता है, एक बार पहले खुद को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रिलेट करने का। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, 3-4 साल हो गया तब भी ये निकलता है ना मुंह से हमेशा, सर आर्टिकल ही याद नहीं होता, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री का डेट याद नहीं होता, इसके अलावा साइंस ना एकदम समझ नहीं आता, मन नहीं करता पढ़ने का। समझ में आ रहा है? हाँ, हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी, ज्योग्राफी हमको समझ में आता है लेकिन ज्योग्राफी में मैप का वर्क नहीं हो पाता, मैप लोकेशन समझ नहीं आता। ऐसी कई शिकायतें हैं ना, कुछ पे बड़ा कमांडिंग पोजिशन है, कुछ पे बहुत बुरी स्थिति है। अब सवाल है कि 3-4 साल ऐसा हो गया और तब भी ये शिकायत है, 3-4 साल हो गए मान लो तैयारी के और तब भी ये शिकायत, और ये शिकायत रहता है, ये शिकायत होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तैयारी के दौरान और ऐसे भी होता है एकदम डे टू डे लाइफ में आप देखो तो जो चीजें हमें पसंद नहीं होती है, नहीं होती, उससे हम लोग भागते हैं, और जो पसंद होता है तो क्या करते हैं उसकी तरफ हम ज्यादा जाते हैं। अब कुछ खाना पसंद है तो हम बार बार उसको खाएंगे, करेले का सब्जी नहीं पसंद तो हम छुएंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज और देखना, हर एक को अगर कोई नाला है तो बदबू तो लगता है ना, लेकिन कई ऐसे घर हैं जो बिल्कुल नाले पे ही बने, उनके स्मेल नहीं आते, आराम से रहते हैं, लेकिन कोई गुजर जाए उधर से वो अब लगातार वहां रह रहे हैं तो उनको उसकी आदत हो गई, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लगातार वहीं रह रहे हैं। तो होता है क्या है, यहां पे एक साइंस है, क्योंकि स्मेल तो आता है लेकिन अगर वो स्मेल हमारा नाक और हमारा सेंसेशन हमेशा महसूस करेगा तो नसें फट जाएंगे। इसके कारण दिमाग क्या करता है, उस मैसेज को, उस स्मेल के मैसेज को डाउन कर देता है कि वो स्मेल अब उस दिमाग के लिए अब वो एक निगेटिव स्मेल नहीं है, बदबू वाला स्मेल नहीं है, अब वो स्मेल का सेंसेशन ही रोक दिया जाता है दिमाग के द्वारा। इसलिए कभी भी आप देखोगे कि कभी भी आप बहुत बदबूदार इलाके से भी गुजरो, कुछ समय के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है, और कोई दूसरा आ जाए अचानक से, किसी के घर के अंदर काफी ज्यादा मॉइस्चर है उसको फील नहीं होगा, बाहर से कोई आएगा तो फील होता है, ऐसा होता है ना। और ये लगभग सबके यहां होगा, कोई बाहर से अगर आएगा किसी के यहां और उसके यहां मान लो खिड़की उड़की बंद रहता है तो एक अजीब स्मेल आता है, इवन घर के आदमी भी अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो उनको आएगा लेकिन घर में रहते तो नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, कि क्या स्मेल चला गया? नहीं, एक्चुअली हमें उसके साथ रहने की आदत हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता उससे। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स के साथ भी ये होता है। देखो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपके आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल है, लाइक हिस्ट्री में, पॉलिटी में, किसी में भी, बायो में, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत स्ट्रांग है तो ध्यान दीजिएगा इस सेक्शन को आपने कई बार किया है और हर बार मतलब इसको 8-10 बार आपने कर लिया और अलग अलग एंगल पे किया, कभी क्वेश्चन बनाए, कुछ नहीं आया तो फिर से उसको देख लिया, तो मतलब आपने बहुत समय इस पे दिया है। ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने आप आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको एक कैटेगरी बनानी है, यह है सब्जेक्ट, ठीक है, आपको कैटेगरी बनानी है कि आपका अपना सब्जेक्ट कौन है,
रिश्तेदार वाला सब्जेक्ट कौन है, दोस्त वाला सब्जेक्ट कौन है और विरोधी कौन है यानी दुश्मन वाला सब्जेक्ट कौन है। कैटेगराइज कीजिए इसको पहले। अपने का मतलब वो सब्जेक्ट और सब जगह क्या करना है, सब्जेक्ट या चैप्टर, दोनों को लेके चलना है, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब देखो कैसे ठीक होगा। अब यहां पे आपको लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत आदमी को मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा लगता है, पॉलिटी पे उसकी अच्छी पकड़ है, हो गया ना, ठीक है। उसी तरह से ये रिश्तेदार, दोस्त और ये। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि इस तरह से कैटेगराइज करके आप चीजों को लिखेंगे, लाइक केमिस्ट्री, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन समझ ही नहीं आता, आईआर समझ नहीं आता, एथिक्स समझ नहीं आता। अब इस तरह के सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे, ये आपकी आप पे के ऊपर है ना, आप कहां डालोगे। अब देखो, अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा जिस पे आपका कमांड नहीं है, भले आप पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना जिस पे कमांड है और जिस पे कमांड नहीं है। आपने जिस पर कमांड नहीं है या जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको डर लगता है, आपने उसके साथ समय नहीं बिताया है। एक बार पीछे पलट के, अभी जो चल रहा है दिमाग बंद करके एक बार इसको रोकिए वीडियो को, एक बार सोचिए कि पिछले 2 साल 1 साल जितने समय से आप तैयारी कर रहे हो, आपको जिस सब्जेक्ट और जिस सेक्शन में दिक्कत है उस पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। आंख बंद करके सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम उससे हमेशा दूर भागने की कोशिश किए हैं, नजदीक लाने की कोशिश उसको कभी नहीं किए, और जो हमें पसंद है उसको ही हमने बार बार देखा है। इंसान का नेचर है, बड़ा ही कॉमन सी बात है। लेकिन आपको पता है हर रिश्तेदार में कुछ फूफा कुछ मामा जो सबसे बदनाम है, ठीक है, मुंह फुला लेते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे आपके या कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको लगता तो होगा कि ये हमारे कमांड में है, लेकिन एन वक्त पे यानी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते होंगे ये वाला धोखा दे जाता है। और यहां से इस रिश्तेदार से होता है सीली मिस्टेक, ठीक है, सीली मिस्टेक यहीं पे होता है। अब सीली मिस्टेक यहां क्यों होता है, क्योंकि अपना तो चलो अपना है, वो तो पूरा कमांड है, वहां तो कुछ नहीं होना है। ये जो रिश्तेदार वाला सेक्शन चैप्टर है, जो हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे रिश्तेदार, ये कभी धोखा नहीं देंगे, ये कभी गुस्साएंगे नहीं, लेकिन हर शादी में फूफा और मामा ही गुस्साते हैं। और पता चल जाए, अच्छा कौन वाले फूफा गुस्सा है, अच्छा वो वाले फूफा गुस्सा है, अरे छोड़ो उनको बाद में बना लेंगे, पहले लोगों को खाना खिलाओ, बाद में देखें उनका हमेशा का नखड़ा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम मना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रूठे हैं तो रूठे हैं, पता चला लास्ट में माने नहीं भाग गए। तो ऐसी क्वेश्चंस या ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे चैप्टर जो आपको लगता है कि नहीं आपके कमांड में है पूरा, यहां पे गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली सीली मिस्टेक की स्थिति वहां पे बनी रहती है, तो समझो कि वहां पे हमें अलग अप्रोच रखना है। अब देखो, फिर दोस्त की बारी आती है। दोस्त तो दोस्त ही होता है। दोस्त का मतलब यह है कि वैसे सब्जेक्ट या चैप्टर जो आसान तो है, आसान है, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है जब एग्जाम आएगा ना तब उसको रिवीजन करेंगे। जैसे होता है ना, बहुत सारे दोस्त बात कर लेंगे, सब खत्म, गिला सिखवा दो। तो यहां पे मतलब वो सेक्शन जो नहीं भी पढ़े हैं 2-2 साल से, लेकिन उसको हम पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो दस्त हट जाएगा और वो हमारा हो जाएगा। तो ये कैटेगरी उस सब्जेक्ट जो चैप्टर की। अब सवाल है ये विरोधी या दुश्मन, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिससे हमें डर लगे, ऐसा चैप्टर जिससे हमें डर लगता है, उस सब को खींच कर यहां पे लिखिए, इसको यहां पे डालिए। अब सवाल है कि हमने कैटेगराइज तो कर दिया, अब इसको ठीक कैसे करें। देखो, अपना तो अपना ही ये चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, आपका अपना है वो चलता रहेगा, ठीक है। ये जो रिश्तेदार वाला है एग्जामिनेशन यही फेल करवाता है। एग्जामिनेशन में एक्चुअली जो फेल करते हो, देखो ठीक से, वो इसके कारण करते हो, ये रिश्तेदार आपको फेल करवाता है और कोई नहीं करवाता। तो ये रिश्तेदार वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जहां जहां सिली मिस्टेक हो सकता है, जहां जहां कंफ्यूजन वाला हिस्सा है,
जो आपके आपका अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपको लगता है याद है लेकिन चूक हो जाती है, लाइक पॉलिटी के अंदर आर्टिकल, कुछ याद है लेकिन चूक हो जाता है। अगर आपको आप आर्टिकल में ठीक है तब अदरवाइज ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, वो देखना है आपके अकॉर्डिंग कहां पे जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, अब फूफा मामा नाराज हो जाते हैं तो हम लोग उनको मनाने का काम करते हैं ना, अब उनके साथ थोड़ी देर रहे गपशप मारे तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है, उनको अपने कन्विंस कर लिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आ जाते हैं अक्सर, हाँ मान ही जाते हैं। तो सीली मिस्टेक जहां भी हो रहा है उस पर प्रॉपर आपको समय देके उसको ठीक करना है, यानी सीली मिस्टेक वाले जो सेक्शन है इसके साथ क्या करना है, टाइम टू टाइम यहां पे आपको बार बार उसको रिवीजन करना है, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्त वाला जो सेक्शन है यहां पर भी चूंकि आपने इसको बहुत समय से पढ़ा ही नहीं है, सिली मिस्टेक होना अलग बात है, बहुत समय से नहीं पढ़ना अलग बात है, तो वो हिस्सा जो बहुत समय से छोड़ा हुआ है तो इस हिस्से को आप ठीक से कवर करें, बीच बीच में इसको एक एक बार चेक करते रहें तो ये आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहां है, और ये हिस्सा क्या करता है, ये तो आपको फेल कर देता है, समझो इसको, ये हिस्सा आपको फेल करता है, सिली मिस्टेक हमेशा फेल करवाता है, और ये जो हिस्सा है ये हमेशा आपको कमजोर फील करवाता है, आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस में रखता है, हमेशा आप अंडर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, हमेशा आपके दिमाग पे ये एहसास होगा कि हमने तो केमिस्ट्री किया ही नहीं, हमने तो संगम टाइम पीरियड किया ही नहीं, हमने विजयनगर बहमनी किया नहीं, हमने आईआर नहीं किया, हमने एग्रीकल्चर नहीं किया, हमने एथिक्स का पेपर नहीं किया, जो भी है एससी का पेपर नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ भी है और आपने इसको नहीं किया तो ये आपके कॉन्फिडेंस पे अटैक करता रहेगा, जरूरी नहीं इसके कारण आप फेल कर जाएं क्योंकि इतना तो कर ही लेते हैं, लेकिन चूंकि अच्छे से नहीं किया है तो ये हिट करता रहेगा आपके, और तैयारी पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इसको ठीक कैसे करें, इसको कभी भी आप एक बार उठा के नाक रगड़ के मर जाओगे ठीक नहीं होगा, इसको ठीक करने का बड़ा ही सिंपल स्ट्रेस फ्री तरीका है, वो ये है कि इसके साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्ती कैसे होगा, हमें तो पसंद ही नहीं, हमको नहीं पढ़ना केमिस्ट्री, आप उस केमिस्ट्री के साथ 20 दिन बिताइए, समझ में आ रहा है, आप इस आईआर के साथ 15 दिन बिताइए, आप संगम पीरियड के साथ 7-8-9 दिन बिताइए, आप विजयनगर बहमनी टाइप का जो सेक्शन उसके साथ समय बिताइए, आप पॉलिटी के आर्टिकल के साथ 20 दिन का समय बिताइए, समझ में आ रहा है। समय बिताने का मतलब क्या, समय बिताने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको दिन रात पढ़ते रहे, समय बिताने का मतलब क्या है इसको समझो, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या कोई आपको पता है कि हमारा एंटी पार्टी है, नहीं बात कर रहा, बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है, तो बीच बीच में कहीं कहीं अलग अलग गैदरिंग हो कहीं पे और दोनों आप लोग बार बार जाने लगे तो थर्ड पर्सन इन सब के बीच में कुछ कॉमन दोस्त होते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, जाते 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 साल दो साल में ठीक हो जाता है, यही काम यहां भी करना है। ये पता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ यदि आप लंबे समय तक रह गए तो वो आपका अपना हो जाएगा, गारंटी है इस बात की, यही अभी तक नहीं हुआ है। कैसे होगा इसको देखो, अब जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि चलो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए 20 दिन, अब इसमें क्या करना है, क्या केमिस्ट्री को रटना है, नहीं, केमिस्ट्री आपको जहां से पढ़ना है जैसे पढ़ना है आप उसको उठाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एकदम थोड़ा थोड़ा जरा सा और जो चीज समझ में ना आया ना उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बस ये सोच के नहीं कि एग्जाम के लिए हमको ठीक करना है, ये सोच के कि यार केमिस्ट्री है हमारा दोस्त है, इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, आईआर है, अच्छा आईआर है यार, आईआर तो बड़ा पसंद, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आईआर से तो पूरी दुनिया को हम समझ सकते हैं, अच्छा चलो इसको देखते हैं कि क्या है, संगम एरा ऐसा क्या था, संगम में संगम का टाइम क्या था, संगम में कौन कौन से राजा थे, अच्छा पांडे राजा थे, इमेजिनेशन कीजिए, अच्छा पांडे थे, ओके पांडे के टाइम में हुआ था, मणि मेखलय शिल्पादिकरम करिकाल सेन गुटवन ये सब, अच्छा ये सब राजा थे, सेन गुटवन कहां पे था, ओके कनकगी पूजा किसने शुरू करवाई,
सागर पूजा किसने शुरू करवाई, ये कुलोत्तुंग कौन था, बाद में आया, ठीक है। ऐसे करके आप क्या करेंगे, क्या करोगे आप, संगम इतना इतना लंबा चैप्टर नहीं है ना, आप इस संगम के साथ अगला 10 दिन बिताएंगे। जब अगला 10 दिन इस संगम के साथ बिताएंगे, संगम आपके टेबल पे होना चाहिए, जहां पढ़ रहे हो ना वहां पे होना चाहिए, और जब भी आप पढ़ने के लिए तो एक बार संगम का खाली किताब भी दिख जाए, या नोट्स दिख जाए, या चैप्टर दिख जाए, थोड़ा सा पलट लिए, हल्का सा पलट लिए, ज्यादा नहीं, आधा एक घंटा पलट लिए, फिर छोड़ दिए, फिर अगले दिन भी आधा एक घंटा पलटे, फिर छोड़ दिए, फिर अगले दिन आधा एक घंटा पलटे, फिर छोड़ दिए, ऐसे करके मन करता है 20 दिन बढ़ा दो, आपको कुछ करना है ही नहीं, आप उसको 20 दिन बढ़ा दीजिए ना, धीरे धीरे क्या होगा, संगम कितना ही है, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीजें रिपीट होने लगेगी, समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे रिपीट होने लगेगा, और जैसे वो रिपीट होने लगेगा आपका काम वही बन गया। यही चीज केमिस्ट्री में, बायो में, यही चीज आर्टिकल में, अब जैसे आर्टिकल है, ठीक है, अब आर्टिकल है तो आर्टिकल का पूरा जिस्ट है आपके पास या किस किताब में है, कुछ नहीं करना, रोज 1 महीने तक, ठीक है, अब खोलिए उसको, कितना आर्टिकल है, 30 जितना भी आर्टिकल है उसका 30% के आसपास तो आपको याद है, अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी है तो उतना तो आपको याद है, उसके बाद रहा 20% और जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसको आपने टिक कर लिया, उसको डेली ना पलटते रहो हल्का सा, बस उसको देखते रहना, ये नहीं सोचना कि हमको याद करना है, यही काम फिजिक्स में, यही काम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अलग अलग करते करते ना वो, क्योंकि आप उसके साथ समय क्या दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी घर के अंदर कोई गेस्ट आता है तो आप 24/7 लगे रहते, नहीं ना, लेकिन आप उसको खाना पूछ लिए, चाय पूछ लिए, तो वही जाके कहता रहे बहुत अच्छा घर है, खाना चाय पूछता है समय समय पे, और फिर अपना काम कर रहे हैं, तो वही काम आपको सब्जेक्ट के साथ करना है, मतलब जादू हो जाएगा, जितना आपको प्यार अब किसी और सब्जेक्ट से होगा ना उतना ही इससे हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस जो लबालब होगा उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्लियर, समझ में आ गया, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो जो अपना है आपका अपना है रिश्तेदार सिली मिस्टेक करके फेल करवा सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपका हमेशा डाउन रख सकता है, फेल भी करवा सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन हमेशा रहेगा, जिसका इंपैक्ट रिजल्ट पे दिखेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ समय बिताओ, समय जैसे जैसे बिताएंगे वो आपको धीरे धीरे टुकड़े में आपके अंदर आता चला जाएगा, एक टाइम आएगा जब स्मूथ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, वो फिर आपका यहां या यहां कहीं पे भी फिट हो जाएगा, इस कैटेगरी से वो ऊपर आ जाएगा, जहां इस कैटेगरी के ऊपर आया आपके कमांड में आ जाएगा, फिर आपको जो करना है कीजिए, इस कैटेगरी से इसको धीरे धीरे आप ऊपर पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज अगर कंटिन्यू करेंगे तो जो शिकायत है, जो दिमाग के अंदर एक बना हुआ है, वो चीजें आपकी दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, स्मूथ हो जाएगा आपका पढ़ाई। मिलते हैं अगले वीडियो।